हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आज की वीडियो हम करेंगे गाइस येलो एंड ब्लू कलर उन फोटो एडिट होगा जिसे भी आपको स्क्रीन में दिख रहे। तो गाइस आपको भी स्टूडियो में अपनी फोटो एडिट करना, तो गाइस वीडियो को स्किप ना करना एंड टैग देना। गाइस इस कलर टोन का प्रीसेट मिल जाएगा, प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे गाइस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बिना प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा। तो गाइस पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना, स्किप ना करना। उसके पहले गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना, होगा इस इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ही। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सबका लाइटरूम ऐप डाउनलोड नहीं तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल लेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस फिर इसके बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, जो आपको लास्ट में जो प्रीसेट दिख रहा है गाइस प्रीसेट पे सिंपल तरीके से क्लिक कर लेंगे। तो गाइस हमने प्रीसेट पे क्लिक कर लिया। तो गाइस अब प्रीसेट की मैं आपको बताऊँ कैसे कॉपी शेडिंग करते हैं। तो गाइस प्रीसेट की कॉपी शेडिंग के लिए आपको कुछ नहीं, आपको शेयर के बाजू वाले आइकन पे जाना है, तीन डॉट पे यानी तीन पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी शेडिंग पे क्लिक करना, मास्किंग पे राइट कर देना है, फिर राइट करके सिंपल से कॉपी शेडिंग कर लेना है। इस तरह से फिर आपको नॉर्मल से अपनी फोटो ऐड कर लेना है, कोई भी आप अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं इस तरह की, और पेज शेडिंग कर लेना है इस तरह से। तो गाइस पेज शेडिंग करने के लिए आपको तीन डॉट पे पेज शेडिंग पे क्लिक करना है, जो आपको कॉपी शेडिंग के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, जिसके तीन डॉट पे जाएंगे कि आपको कॉपी शेडिंग दिख रहा हूँ, उसके नीचे पेज शेडिंग दिख रहा हूँ, वहाँ जाके क्लिक कर लेना। तो गाइस आपकी फोटो हो जाएंगी इस टून में एडिट। तो गाइस मैं आपको अब बताऊंगा कि इस टून को कैसे एडिट करें। गाइस गाइस अब ऑरेंज कलर पे जाके इसको आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं फेस कलर, अगर फेस ज़्यादा आपका ब्राइट हो जाए, गलत कलर में हो जाए, तो हाउ को चेंज करके सैचुरेशन कम ज़्यादा करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस एडिट करने के लिए आपको लाइट पे जाना है, फिर ऑटो पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर मिक्स टूल पे जाना है, उसके बाद ग्रीन कलर पे जाके इसका हाउ को -100 कर देना है, सैचुरेशन को -68 कर देंगे, उसके बाद आपको इसको 100 ही रहने देना है, इसको भी 100 कर देना है, दोनों को 100 कर देना है, मतलब बस इसको 100 माइनस करना है, उसको 100 प्लस करना है। जैसे येलो कलर पे जाके सेम उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है, इसको -100 कर देना है हाउ को, और सैचुरेशन को +100 कर देना है। उसके बाद गाइस गार्डियन वाले टूल पे जाना है, यहाँ से गाइस आप इस तरह से टून ला सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, जिसके तीसरे वाला सर्कल है इस पर आप इस तरह से टून ला सकते हैं, बैकग्राउंड टून, बैकग्राउंड में अलग सा इफेक्ट ला सकते हैं, वाइट ला सकते हैं, और गाइस येलो ला सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप हल्का सा टून में चेंज दिख रहा हूँ फोटो में, आप इस तरह का टून ला सकते हैं अपनी फ़ोटो में, ये आपको मतलब बताना चाहता था, आप ला सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इस तरह से भी करने के बाद इसका जो टेम्परेचर इसको 5 कर देंगे, उसको आप माइनस कर देंगे 15 या टीन को, जो टेम्परेचर कवर करता है, मतलब वो टेम्परेचर को करता है, मतलब माइनस करता है, तो इसलिए टीन को हम 15 कर देंगे। उसके बाद कलर मिक्स टूल पे आके ऑरेंज कलर को एडजस्टमेंट कर लेंगे, फेस कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ से, तो वो कर लेंगे। इसके बाद लाइट्स पे जाएंगे, लाइट्स की सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और वाइट्स को कम कर देंगे, और ब्लैक्स को भी कम कर देंगे, वाइट्स को बढ़ा देंगे, वाइट ब्लैक्स को कम कर देंगे। उसके बाद कलर मिक्स टूल पे जाके सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, पर्पल भी और पिंक भी दोनों तरफ से सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। उसके बाद गाइस हमारी जहाँ तक तो जाए तो वहाँ तक एडिट हो चुकी है। बाकी गाइस आपको एडिट करने के लिए आपको एक प्रीसेट है वो पेस्ट करना ही होगा, या फिर आपको इस टून में अगर एडिट आप बिना प्रीसेट के करना चाहते हैं तो इस तरह से आप बिना प्रीसेट के भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, आप उस तरह से भी एडिट कर सकते हैं और प्रीसेट की मदद से भी एडिट कर सकते हैं। तो गाइस पासवर्ड बता देता हूँ, तो गाइस पासवर्ड है 5510 यानी 5510 यानी 10। तो गाइस जाके प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना, एकदम सिंपल सा पासवर्ड है। तो गाइस फोटो सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पे जाना, IPG सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्वालिटी 100% कर देना है, यहाँ से वाटमार्क चाहे तो लगा सकते हैं, वाटमार्क पे मैंने परफेक्ट वीडियो बना के रखा, उसमें कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है उसमें मैंने बताया, तो वो जाके वॉच कर लेना, मैंने आई बटन पे लिंक दे के रखा। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना, और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।